एक ऐसी स्मार्ट वॉच दिखाऊं जिसमें बड़ी डिस्प्ले हो, आपके मनोरंजन के लिए तरह तरह की गेम्स हो और आप चाहो तो इसमें अपनी प्राइवेसी के लिए पासवर्ड भी सेट कर सको, तो फिर बाय करो ये हैमर की एक्टिव 2.0, बिकॉज इसमें आपको मिलती है 1.95 इंचेस की एक आईपीएस डिस्प्ले, वो भी जस्ट इन ₹1900। तो इसी बात पर वीडियो को So, इस वॉच में मेनली दो कलर्स मिलते हैं, ब्लैक एंड डार्क ब्लू, और मेरे पास ये दोनों ही कलर्स अवेलेबल है, बट मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ इसके ब्लैक कलर को। बाकी बॉक्स का आउटलुक आपको कुछ ऐसा मिलेगा, फीचर्स वगैरह मेंशन किए गए हैं, एंड इसका जो ब्लू कलर है उसे मैंने अपने हाथ पर भी वियर कर रखा है, काफी अच्छी लग रही है वॉच। वही देखा जाए तो वॉच का साइज 49mm है, बट मेरी रिस्ट छोटी होने के बावजूद इसकी लुकिंग काफी अच्छी आ रही है। तो चलिए फिर फटाफट बॉक्स ओपन कर लेते हैं। जैसे ही बॉक्स ओपन होता है, यहाँ सबसे पहले आती है हमारी स्मार्ट वॉच, इसे साइड रख लेते हैं, देन मिल जाती है एक पुस्तक जिसे पढ़ के आप ये जान सकते हो कि इस वॉच को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, बट मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ ठंडियों में आग तापने के लिए। देन इसके बाद एक काम की चीज मिलती है, वो है ये ब्लैक कलर के ओशियन लूप स्ट्रैप्स और ये मैग्नेटिक चार्जिंग केबल जो आपकी वॉच को अराउंड 1.5 घंटे में पूरा चार्ज कर देगी। बाकी डिस्प्ले के ऊपर की रैपिंग हटाने के बाद लुक काफी डिसेंट सा आता है, एंड जब हम स्ट्रैप्स को वॉच के साथ फिक्स कर देते हैं सो वॉच दिखने में सेम एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी लगती है। वहीं इसकी जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो भी पूरी मेटेलिक है, यानी इसके गिरने के बाद इस पर कोई भी खरोच नहीं आने वाली। आउटर बॉडी पर नजर डाली जाए सो यहाँ पर आपको एक क्राउन बटन मिल जाता है जो कि वर्किंग है, मिडल में नॉइस कैंसिलेशन वेंट, देन एक पावर बटन। एक चीज मैंने इसके बैक पैनल पर नोटिस की कि जब फायरबोल्ट, ज़ेब्रोनिक्स और पेबल ने अपनी अल्ट्रा वॉच की क्लोन्स निकाली थी तब उनमें इनबिल्ड स्क्रूज नहीं दिए गए थे, बट इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, सो एक बेटर पॉइंट है। इसके अलावा अदर साइड पर म्यूजिक एंड कॉलिंग के लिए स्पीकर वेंट दी गई है, देन ये एक्शन बटन। वहीं अगर आपको इसे ऑन करना है सो इसके पावर बटन को कुछ सेकंड्स तक होल्ड करना होगा, अराउंड 10 से 15 सेकंड्स वेट करने के बाद यहाँ पर आपको हेलो का लोगो मिलेगा, देन आपकी वॉच ऑन हो जाएगी। अब इसकी डिस्प्ले रेजोल्यूशन पर गौर कर लिया जाए सो इसमें आपको दी गई है 1.95 इंचेस की एक आईपीएस डिस्प्ले, एंड ओवरऑल कलर एफिशिएंसी भी काफी अच्छी है, जिस वजह से जो एप्लीकेशन के आइकन्स हैं वो भी प्रॉपरली विजिबल रहते हैं। वहीं वॉच के साथ आपको 600 निट्स की हाई ब्राइटनेस भी दी गई है, जिस वजह से इसकी डिस्प्ले पीक सनलाइट में भी विजिबल रहती है, यानी अगर आप इसे आउटडोर में किसी सनलाइट वाले प्लेस पर वियर करके जाओगे सो उस टाइम वॉच के अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो सभी विजिबल रहेगी। 1% मान लो कि बाहर दिल्ली जैसा हाल हो गया तो घबराना मत, बिकॉज इसमें आपको दी गई है IP67 की वॉटर रेसिस्टेंसी, जिस वजह से ये वॉच वॉटर एंड डस्ट से प्रोटेक्ट रहती है। देन नंबर ऑफ इनबिल्ड वॉच फेसेस की बात करी जाए सो इसमें आपको दिए गए हैं 5 इनबिल्ड वॉच फेसेस, बट इस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करने के बाद आप 100 से भी ज्यादा फ्री वॉच फेसेस का मजा उठा पाओगे। एंड अगर आप इसकी डिस्प्ले पर गौर करो सो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत बेजल्स मिलते हैं, उतने ज्यादा जस्टिफाइंग नहीं है। होम स्क्रीन के कुछ मेजर फीचर्स पर गौर कर लिया जाए सो डिस्प्ले को अप से डाउन स्क्रॉल करने पर इसका नोटिफिकेशन बार ओपन हो जाता है, देन डाउन से अप स्क्रॉल करने पर मेन्यू बार, जहाँ पर सबसे पहला फीचर आपको ब्लूटूथ ऑन ऑफ करने का मिलता है, देन मेन्यू स्टाइल चेंज करने का, बाकी थर्ड वाले ऑप्शन के थ्रू आप पासवर्ड सेट कर पाओगे। इसके अलावा अगर वेदर वगैरह चेक करना है या फिर कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी है सो यहीं से कर सकते हो, मेन्यू स्टाइल में जाकर कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन ओपन करने की जरूरत नहीं है। वहीं एडिट के ऑप्शन के थ्रू आप अपने आप ही एप्लीकेशन को कस्टमाइज कर पाओगे। एक चीज मुझे और अच्छी लगी जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जितने भी बटन्स वॉच के अंदर दिए गए हैं उन्हें भी आप अपने आप कस्टमाइज कर सकते हो। वैसे देखा जाए ये फीचर मुझे इस वॉच में काफी इफेक्टिव लगा। अब नजर डाल लेते हैं इसके क्राउन एंड टच कंट्रोल्स पर। सो पहली बात, जो इसका इनर UI है ना वो मुझे स्मूथ लगा, जिस वजह से आपको टच कंट्रोल्स में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। बात रही क्राउन कंट्रोल्स की सो वो भी बहुत स्मूथली वर्क कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम वॉच के साथ आने वाले मेन्यू स्टाइल्स की बात कर लें सो इस वॉच में आपको दिए गए हैं 6 इनबिल्ड मेन्यू स्टाइल्स, यानी हफ्ते के 6 दिन अलग अलग वॉच फेसेस चेंज करो और दोस्तों में रोला काटो, क्योंकि संडे वाले दिन तुम घर पे रहते हो इसीलिए 7वां प्रोवाइड नहीं किया गया। बाकी जब 6 दिन इसे बाहर पहन के जाओगे ना सो जो लुक आने वाली है वो कुछ ऐसी आएगी, और चाहे आपकी रिस्ट मोटी हो या फिर पतली जब आप इसे बाहर वियर करके निकलोगे तो लुक तगड़ी ही आएगी। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की, जहां सबसे पहला फीचर आपको मिलता है ब्लूटूथ कॉलिंग का, यानी आपको जस्ट इसे अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके मस्त कॉलिंग करनी है, और आप चाहो तो वॉच में अपनी 50 माशुकाओं के नंबर भी सेव कर सकते हो। बाकी उनमें से अगर किसी एक से धोखा मिल जाए सो टेंशन मत लेना, क्योंकि इसमें आपको 60 इनबिल्ट स्पोर्ट्स मोड जो दिए गए हैं जिससे आप मस्त बॉडी बनाकर इंतकाम ले सकते हो। वहीं अगर आपको चेक करना हो कि दिन में आप कितना सोते हो या फिर काम करते हो सो वो भी आप चेक कर पाओगे। उससे पहले हम इसके सेंसर्स को भी चेक कर लेते हैं कि रिलायबल है या फिर नहीं। सो यहाँ पर मैंने वॉच में हार्ट रेट ऑन करके इसे टेबल पर रख दिया है, देन कुछ सेकंड्स वेट करते हैं।
अराउंड 20 सेकंड्स वेट करने के बाद हमें ये पता चला कि वॉच तो टेबल का भी बीपीएम बता देती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो वॉच है वो मेडिकल यूज के लिए नहीं बनी, आप इसे एज अ फैशन या फिर रोला जमाने के लिए यूज कर सकते हो। एंड बहुत दिनों से आप लोग गिव अवे की भी डिमांड कर रहे थे, तो चैनल पर जल्दी जल्दी 3 लाख सब्सक्राइबर्स करवा दो, गिव अवे आ जाएगा। इसके बाद अगर हम वीडियो में और आगे बढ़े तो इस वॉच में हमें ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर चेक करने जैसे ऑप्शन तो मिलते हैं, बट वॉच मेडिकल यूज के लिए तो बनी नहीं है, सो इन सब फीचर्स का कोई भी फायदा नहीं है। एंड एक काम की चीज मिलती है वो है कैलकुलेटर, जिसके थ्रू आप अपने गुना भाग को इम्प्रूव कर पाओगे। वहीं इसके कैलकुलेटर का जो थीम है वो सेम iOS डिवाइस के कैलकुलेटर के थीम जैसा है। देन सेटिंग्स के ऑप्शन पर जाकर आप वेकअप गेस्चर और पासवर्ड सेट करने जैसे ऑप्शंस को इनेबल कर पाओगे, जो कि आपकी प्राइवेसी की मोटिव से काफी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ ये वॉच ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के फीचर को भी सपोर्ट करती है, प्लस 12 आवर्स का टाइम फॉर्मेट भी दिया गया है, जो मेनली हमें बहुत कम वॉचेस में देखने को मिलता है। बाकी अगर आप इसे एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मासवियर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा आपके मनोरंजन के लिए 4 अलग अलग तरह की गेम्स दी गई है, जिनमें से एक है ये 2048, जिसे आप सुडोकू से डिनोट कर सकते हो और इसे तो आपने बचपन में जरूर खेला होगा। इसके बाद ये कार रेस वाली गेम दी गई है। जिंदगी की रेस में तो पीछे हो ही चुके हैं, क्यों ना कार रेस में आगे हो जाएं। रेस में पीछे इसलिए हो गए क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, सो इसी बात पर हम एम करते हैं इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का। फाइनली 3rd नंबर पर आती है ये बैटलशिप, जिसमें आपको एवेंजर्स की तरह स्पेस में जाकर एलियंस को खत्म करना है। बट हम तो घर में बैठ के मच्छर ही मार सकते हैं, स्पेस में क्या घंटा जाएंगे, क्योंकि स्पेस में तो चंद्रयान जा रहा है जो अपना मिशन 100% कंप्लीट करके आएगा और इस टॉर्च की तरह पूरी दुनिया को दिखा देगा कि इंडिया विल डू एवरीथिंग। यार मैं सही बताऊं तो मैं ढूंढ ही रहा था कि ये चौथी गेम कहां है और ये मुझे मिल गई। सो ये है डाइस वाली गेम, जिसे कैसे खेलना है मुझे बिल्कुल नहीं पता। अगर आपको पता है सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यार कोई सा ही बटन दबाओ इसमें होगा क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो दोस्तों बहुत देर ट्राई करने के बाद हमने ये फैसला किया कि हम इस गेम को नहीं खेलेंगे। कोई नहीं, ये नहीं चली तो क्या हुआ, इसका साउंड टेस्ट ही कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने म्यूजिक प्ले कर लिया है एंड मैं अपनी साउंड को भी थोड़ी देर के लिए पॉज कर लूंगा। ये था इस वॉच का म्यूजिक साउंड टेस्ट एंड मेरे हिसाब से बेस एंड लाउडनेस अच्छी आ रही थी। फाइनल दोस्तों अभी चल रही है Amazon प्राइम डे सेल, एंड अगर आप इस वॉच को इस सेल में परचेज करते हो तो ये आपको पड़ेगी जस्ट ₹1900, बट कुछ दिनों बाद इसका प्राइस हो जाएगा 2100। इसीलिए जाओ इस ऑफर को ग्रैब करो। इस वॉच का बाय लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर से चेक कर लेना। बाकी कल शाम को एक ऐसी वॉच पर वीडियो आने वाला है जिसमें आपको 4GB की स्टोरेज मिलेगी, प्लस आप उसमें फोटोज भी इंपोर्ट कर पाओगे और साथ साथ म्यूजिक भी। तो उसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।